आपको बताएं, चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान का एक और यू टर्न। पंजाब असेंबली से इस्तीफों का फैसला 24 घंटे भी कायम ना रह सका। कानूनी मुशीरों की तजवीज पर चेयरमैन पीटीआई ने हाईकोर्ट के फैसले तक परवेज इलाही से एतमाद का वोट लेने का मुतालबा ना करने का फैसला कर लिया। इसी की मजीद तफसील जानेंगे नुमाइंदा खसूसी जावेद फारूकी से। जावेद, क्या तफसीलात आ रही है इस हवाले से? जी देखें, कल चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान ने ये अपने अरकान सूबाई असेंबली से कहा था कि 9 तारीख को अगर एतमाद का वोट नहीं लेते चौधरी परवेज इलाही तो आप असेंबली से इस्तीफे देकर बाहर निकल आए। लेकिन उनकी ये बात, ये मौकफ जो है, इसकी उम्र महज 24 घंटे तक रही है और अब तहरीके इंसाफ के जराये से ये खबर आ रही है कि आज उन्हें उनके कानूनी माहिरीन ने, मुशीरों ने जो ब्रीफिंग दी है उसमें ये कहा गया है कि अदालत के फैसले में कहीं पर भी चौधरी परवेज इलाही वज़ीर-ए-आला पंजाब को एतमाद का वोट देने का पाबंद नहीं किया गया और इस बात का इम्कान है कि 11 तारीख के बाद ये मामला मजीद कुछ दिन, कुछ हफ्ते जो है ये लटक सकता है, मजीद आगे चल सकता है। तो तहरीक तो एतमाद का वोट लेकर इस मामले को खुद से ही निपटाना मुनासिब नहीं है। ये मौकफ इससे पहले चौधरी परवेज इलाही इससे आगाह कर चुके हैं इमरान खान को और इमरान खान के कानूनी मुशीर जो है उन्होंने भी इसी बात का इरादा किया है। ठीक है, और इमरान खान ने एक और यू टर्न ले लिया इस तरीके से। बहुत शुक्रिया जावेद फारूकी, आप तफसीलें आगाह कर रहे हैं।